दोस्तों ये है हीरो की सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक ऑल ब्लैक कलर, वो भी कन्वर्स एडिशन में। यहाँ पर आप देख सकते हो ये ग्लोसी ब्लैक कलर है, एकदम नया कलर। और अभी तक इस कलर में बाइक को लॉन्च नहीं किया था कंपनी ने, सिर्फ दो कलर में आती थी, एक रेड और एक ग्रे कलर में। अब यहाँ पर आपको तीसरा कलर ऑप्शन मिलेगा, सबसे बेहतरीन कलर ब्लैक कलर, इस तरह से आप देख सकते हो। तो सबसे पहले फ्रंट पर हम स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर सामने देखेंगे तो एस का लोगो मिलेगा, यानी हीरो कंपनी का फ्रंट का कैपिटल लेटर। और यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्रोम फिनिशिंग हेडलाइट के ऊपर, और ये रहा आपकी फुल एलईडी वाली लाइट, जिसमें आपको एलईडी लिखा भी मिल जाएगा इस तरह से अंदर। ये है आपका डीआरएल लाइट, जो कि इग्निशन यानी चाबी कट करेंगे तो आपको ये बिल्कुल जलती हुई मिलेगी। बाकी अगर आप बाइक स्टार्ट करेंगे तो इस तरह से लाइट आपको जलेगी दिखेगी यहाँ पर। और इसके अंदर भी यहाँ पर देखेंगे तो ये क्रोम फिनिशिंग दी गई है, ये देखिए लाइट के अंदर भी क्रोम फिनिशिंग आपको मिलेगी, यहाँ पर आपका इसके अंदर भी इस तरह से दिया गया है। तो लाइट में बहुत ही अच्छा कंपनी ने मेहनत किया है, काम किया है, इस चीज़ काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ पर आपको इंडिकेटर मिलेगा ट्रांसपेरेंट, यानी कि बल्ब वाला इस तरह से। तो ये आपका दोनों इंडिकेटर सामने से फ्रंट का लुक देगा। यहाँ पर आपको एक बेहतरीन स्टिकर मिलेंगे इस तरह से, आप देख सकते हो दोनों साइड पे। यहाँ पर आपका नंबर प्लेट लग जाएगा। पूरा जो फ्रंट का फेंडर है आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका जो मडगार्ड है ये पूरा ऑल ब्लैक कलर इस तरह से मिल जाएगा, और मडगार्ड आप देख सकते हैं सबसे गजब का आपको इस तरह से मिलेगा। टेलीस्कोपिक साकर आपको मिल जाएगा इस तरह से, और यहाँ पर रिफ्लेक्टर आपको मिलेगा। एलॉय व्हील देखेंगे तो एक नई मॉडल की, नई डिज़ाइन की मिलेगी, जो कि 180 का ट्यूबलेस टायर दिया गया है, मेड इन इंडिया की ब्रांडिंग, ISI प्रमाणित यहाँ पर आपको मिलेगा, फॉर ट्यूबलेस के लिए है। यहाँ पर आपको टाइपिंग मिलेगी इस तरह से, आप देख सकते हैं बाइक की खूबसूरती कंपनी ने बहुत ही अच्छी बढ़ा दी है। तो टायर ट्यूबलेस से अगर पंचर भी हो जाए सिंगल चल सकते हैं। 130 mm का ड्रम ब्रेक है, और डिस्क ब्रेक भी आपको मिल जाएगा, तो 3000 आपका और बढ़ जाएगा। यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर टेलीस्कोपिक साकर, वो भी ब्लैक कलर में इस तरह से पूरा वहाँ से इस तरह से मिल जाएगा। अब उसके बाद कम्बी ब्रेकिंग सिस्टम, यानी पीछे वाली लगाएंगे ब्रेक तो आगे वाली भी 40% लग जाएगी। अब इसका ग्राउंड क्लियरेंस 167 mm का, इस तरह से आप देख सकते हो, यानी कि ऊंची भी है, ख़राब सड़कों पर भी आराम से आप इसको चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सबसे पहले अब इंजन की ही बात कर लेते हैं। 125 cc का इंजन है, और 5 गियर दिया गया है, साइड स्टैंड कट ऑफ इंजन का फीचर है, 8500 rpm पावर है, और उसके बाद 7500 आपका टार्क मिल जाएगा, यानी कि पिकअप भी अच्छा है। हीरो की ब्रांडिंग मिलेगी, किक और सेल्फ दोनों स्टार्टर है, और माइलेज आपको 60 का निकाल के देगी बाइक, 60 का माइलेज देगी, बाकी आपके चलाने के ऊपर है। इस तरह से आप देखते हैं किक स्टार्टर भी मिलेगा। यहाँ पर FI प्रोग्राम है, यानी फ्यूल इंजेक्टर वाली है, और इसमें I3S मिलता है, जो कि फ्यूल इफिशेंसी आपका करता है, यानी कि पेट्रोल की बचत। यहाँ पर I3S यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर आप देखते हैं क्रोम फिनिशिंग। आप फ्यूल टैंक देखेंगे तो सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक मिलेगा, और ये ग्राफिक और स्टिकर आप देख सकते हैं सबसे नया कलर में रहेगा। इस तरह से फ्यूल टैंक आपका लगभग 10.5 लीटर रुपये का है, और फ्यूल टैंक यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको E20 की बैजिंग भी मिल जाएगी, यानी कि न्यू 2023 हीरो सुपर स्प्लेंडर E20 लॉन्च हो चुकी है। ये रही आपकी बैजिंग, और यह आपका फ्यूल टैंक, I3S सेल्फ स्टार्टर। अब रहा आपका भाई साहब सबसे बड़ा बदलाव जो है इसके मीटर में, तो डिजिटल मीटर आपको पूरा मिलेगा, वो भी स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक वाला। अब इसमें अगर देखेंगे आप तो पूरा फुली डिजिटल मीटर इस तरह से मिलेगा, और सर्विस इंडिकेटर, कॉल, मिस कॉल, ब्लूटूथ, ये सारी चीज़ आपको मिलेगी। यहाँ पर आपको मिल जाता है मोबाइल चार्जिंग, ये देखिए मोबाइल चार्जिंग भी आप कर सकते हैं। ये जो फेंडर है ये पूरा बढ़िया कंपनी कर दिया है, पहले तो खाली खाली सा था, अब भरा है, कैसा लग रहा है कमेंट में बताइए। ये है इसकी की चाबी, और यहाँ पर हीरो की ब्रांडिंग। अब यहाँ पर पासिंग बटन, हाई लो बीम, टर्न सिग्नल, हॉर्न, ये सारी चीज़ मिलेगी। पूरा हैंडल बार आपको इस तरह से रहेगा, देख सकते हैं आप। और ये बाइक आपको कैसी लग रही है बताइए ज़रूर। अब देखिए सबसे पहले सीट की बात कर ले तो सीट देखिए सबसे बढ़िया लंबी चौड़ी सीट मिलेगी, वो भी डुअल टोन में इस तरह से काफ़ी बढ़िया। और इसके बाद पहले से इसको और कम्फर्ट मुलायम कर दिया है। अब उसके बाद दोस्तों साइड स्टैंड का सेंसर है, इस तरह से देख सकते हैं साइड स्टैंड जैसे मान लीजिए लगा हुआ है, ये यहाँ पर आपका जल रहा है। अब ये साइड स्टैंड जैसे हम हटा देंगे तो ये देखिए लाइट यहाँ से हट गई, और ये साइड स्टैंड कट ऑफ इंजन का फीचर भी है, जो कि सेफ्टी फीचर में बढ़िया काम हुआ है। अब ये है आपका स्टिकर, देख सकते हैं इस तरह से आपको स्टिकर मिलेंगे सबसे गजब का। यहाँ पर आपको कुछ लिखा नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ऊपर साइड पर देखेंगे तो ग्रेविल के कलर में, यानी कि ग्रे कलर में यहाँ पर इस तरह से रहेगा हीरो की ब्रांडिंग, और ये पूरा ग्रे कलर में रहेगा। यहाँ पर आपका चाबी लग के आप सीट को ओपन कर सकते हैं। अब देखिए चैन कवर जो है ये पूरा फुल चैन कवर आपको दिया गया है, वो भी प्लास्टिक में है। अब पहले चैन कवर इसका अलग तरीके से था, लेकिन अब देखिए यहाँ पर इस तरह से बना दिया है कंपनी ने, बिल्कुल एकदम बढ़िया सुटेबल। और यहाँ पर देख सकते हैं इसको डबल पत्ती दी गई है, ताकि ये सेफ्टी में बढ़िया रहे, और फुटरेस्ट मुड़ने वाला है दोनों।
और 5 बार एडजस्ट करने वाला साकर आपको मिलता है। 5 स्टेप एडजस्टेबल साकर मिलेगा आपको, जो कि हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर है। सारी गार्ड यहाँ पर देख सकते हैं लगा हुआ है। अब पीछे की जो टेल लाइट है वो आपको मिलेगी बल्ब वाली, यानी पहले ही वाला। और ये रहा आपका पीछे का फेंडर, ये रहा आपका इंडिकेटर, टेल लाइट आपको बल्ब वाली। ग्रेविल देख सकते हैं, साइलेंसर देख सकते हैं, साइलेंसर अब पतला कर दिया, पहले मोटा था अब बढ़िया साइलेंसर हो गया है। अब यहाँ पर 130 mm का ड्रम ब्रेक, सस्पेंशन दोनों पीछे आपको 5 स्टेप एडजस्टेबल ही मिलेंगे हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर। पीछे के जो टायर है वो 90-90-18 का, यानी कि आगे वाले से पीछे वाला थोड़ा मोटा है। साइलेंसर बढ़िया कर दिया, पहले तो काफ़ी मोटा था अब बढ़िया कर दिया। अब इसकी जो ऑन रोड प्राइस है वो 1,01,000 रुपये है ऑन रोड प्राइस। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।